गाजीपुर से चलकर जंतर मंतर तक जाने वाली समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा जनपद फिरोजाबाद पहुंची। जिले की सीमा पर सांसद अक्षय यादव ने किया जोरदार स्वागत। देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर 27 अगस्त को गाजीपुर से चलकर सपा के MLC रामवृक्ष के नेतृत्व में समाजवादी साइकिल यात्रा फिरोजाबाद के सिरसागंज पहुंची, जहां सपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा कटफोरी से लेकर सिरसागंज तक जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। नगर सिरसागंज में जिला पंचायत सदस्य DP यादव व श्री राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष निमिष गुप्ता के यहाँ साइकिल यात्रा में पहुंचे सांसद अक्षय यादव व पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया गया। फिरोजाबाद सांसद अक्षय यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ व यह सरकार कोई भी विकास कार्य नहीं कर रही है। इंडिया टॉप न्यूज से ब्यूरो चीफ आशीष उपाध्याय की खास रिपोर्ट, फिरोजाबाद। यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, इसलिए महत्वपूर्ण यात्रा है क्योंकि जो बीजेपी की सरकार प्रदेश और केंद्र में बनी हुई है, जिस तरह से वह जनता के ऊपर दुख दर्द के काम करती जा रही है और विकास के काम बिल्कुल गायब कर दिए हैं, तो इन योजनाओं तक जनता तक पहुंचाया जा सके और इस सरकार को चेताया जा सके, इस मंशा से ये यात्रा निकल रही है। यात्रा में आए हुए सभी जो गाजीपुर से चले हैं 180 लोग हैं, इन लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप समाजवादियों की बात दिल्ली तक पहुँचाएंगे, 23 तारीख को हम लोग स्वागत करेंगे और आपके साथ समापन में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय Ha ha ha!